लीडर यू शुड हैव द एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग. जी भाई, नाम के आगे लॉर्ड लगाने से कोई आदमी लॉर्ड नहीं बन जाता. आपको पता होना चाहिए दूसरा आदमी बोल रहा है तो आप बीच में ना बोले. जब आप बोल रहे थे मैं चुप था. मिस्टर मुनीब लिसन, यू आर अ लॉयर, आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट में भी डेकोरम होता है. एक लॉयर बोल रहा तो दूसरा नहीं बोल सकता. आप वैसे भी एक्सपंस करते रहते हैं हार्ड डिमांड्स. ओके जय हिंद दोस्तों. इस वीडियो में देखेंगे अकेले रोहित जी ने तीनों पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी है. जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तानियों की बिना लॉजिक बात करने की शुरू से आदत है, तो रोहित जी ने इन सब का लॉजिक ठीक कर दिया है. पाकिस्तानी पैनलिस्ट में एक वकील साहब है जिसका नाम मुनीब है और दूसरे हैं लॉर्ड नज़ीर. इनकी सुई हमेशा भारतीय मुसलमानों और कश्मीर पर आड़कर अटक जाती है. कश्मीर के चक्कर में आधा पाकिस्तान तो खो ही दिया है, कहीं अब अगला नंबर बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ना हो. इन पाकिस्तानियों ने दुनिया के सारे मुसलमानों का ठेका ले रखा है और कहते हैं कि हम एकमात्र ऐसे मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, जिसके पास पापा भर के एटम बम है. इनको चाइना के उइगर में मुसलमान नज़र नहीं आते हैं, जिनमें चाइना रोज़ दुम जुल्म ढाता है. चाइना में तो मस्जिद को तोड़कर टॉयलेट बना दी गई थी, वहाँ पर बुरका भी बैन है. तो चलिए आप आगे इस वीडियो में देख लीजिए. तरफ आना चाहूंगी रोहित जी, किस किस्म की सोच है, किस किस्म की नफ्सियात है कि जी घर छोड़ने के बहाने लेकर गए उनको, बुजुर्ग शहरी थे, 72 साल उनकी उम्र, उनको जंगल में ले गए, इस तरह का सलूक किया गया. ये कौन सी हिस्सा जिसको सुकून मिला, जिसको तस्कीन पहुंचाई उन लोगों ने, ये आपके देश में हुआ? ये मेरे देश में नहीं हुआ, ये मेरे उस जिले में हुआ जिस जिले में मैं रहता हूँ, ये गाजियाबाद में हुआ. पहली चीज. दूसरी चीज, ये बुजुर्ग जो है, या दूसरी चीज, ये बुजुर्ग जो है ये उस जिले के रहने वाले हैं, ये उस जिले के रहने वाले हैं जिस जिले का मैं हूं, बुलंदशहर से, राइट. और दोनों जिलों में मुस्लिम्स के खिलाफ कोई ऐसी एट्रोसिटी आज तक नहीं सुनाई दी, ठीक है. इस केस में भी जो वीडियो आया है सामने, पुलिस ने तफ्तीश की और बाद में बोला कि जो बुजुर्ग हैं वो उनको जान पहचान के थे. जो छह लोग थे, छहों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. उसमें से कौन है छह, जो जो दोस्त थे, जो लोग थे, एक का नाम आरिफ है, एक का नाम आदिल है, एक का नाम मुशाहिद है, एक का नाम पोली है, एक का नाम कल्लू है. तो मुसलमान ही मुसलमान पे जुर्म कर रहा है और आप उसको पाकिस्तान में ये दिखा रहे हो कि भैया ये इंडिया में क्या हो रहा है. ये सारे आपस में रिश्तेदार थे और काटी गई, जय श्री राम के नारे कोई नहीं लगाए गए, इसमें FIR लॉज हो गई और सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज फेक जर्नलिज्म, कि ये किसी ने डाल दिया ये दिखाते हुए कि मुसलमानों पे तशद्दुद होती है और मुसलमानों के साथ ऐसा होता है इंडिया में. लेकिन गाजियाबाद और बुलंदशहर दोनों नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं और मैं दोनों से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए बताऊंगा कि यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, काफी मींस परसेंटेज में बहुत अच्छी है और यहां पे मुस्लिम्स के साथ ऐसा हमें दिखा नहीं है. और इस केस में तो बिल्कुल गलत है, पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया है, सारे के सारे मुस्लिम्स थे जिन्होंने एट्रोसिटी की थी और जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगवाया गया था. UAPA के अंडर जो भी थोड़ा सा डिसेंट करता है या जो भी इख्तलाफ राय रखता है, तो उस पुलिस का तो मैं यकीन नहीं करूंगा. अब आप ही का दवायर कह रहा है भारतीय पब्लिकेशन, और सिर्फ वो नहीं कह रहा, और भी काफी सारे, इंडियन एक्सप्रेस का मैंने नाम लिया, कि जय श्री राम कहने का उसके साथ वो जबरदस्ती की गई थी. ये जो सैफी साहब है, अब्दुल समद सैफी, लॉर्ड नज़ीर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं. जी रोहित, मैं आपकी तरफ फिर आऊंगी, मैं मुनीब की बातों का जवाब आपसे लूंगी. लॉर्ड नज़ीर साहब, कश्मीर में हम देखें कि जुल्म और सितम जारी है और रोजाना इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मुतनाज़े खत्ते है वहां पे, भारत की जो काबिज फौज है शहरी आबादी को हरासा करती है धमकाने के लिए. अफसोस की बात, बड़ा दुख होता है, लेकिन सादे दहशतगर्दी के नाम पर बार बार घर घर जाके तलाशी के बहाने, बकायदा तलाशी के बहाने कार्रवाइयां करती रहती है. ये सिलसिला कब रुकेगा और भारतीय फौज ने जो भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के जज्बात हैं उनको दबाने के लिए तरीका कई साल से अपना रखा है, आखिर कब तक कश्मीरी अपने जवान बेटों के जनाजे उठाते रहेंगे? अनफॉर्चुनेटली ये तो एक तसलसल है, क्योंकि अब ये जो हिंदुत्व RSS की जो गवर्नमेंट है, इनकी तो पॉलिसी वही जो आपने इसराइल में देखा, जो फिलिस्तीनियों के साथ करते हैं, और ऐसे ही जिस तरह वहां पे इलीगल सेटलमेंट्स और जो सेटलर्स हैं वो जो ज्यादतियां फिलिस्तीनियों के साथ करते हैं, ऐसे ही मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हो रहा है. आपने देखा जो ने ये
370 के एब्रिगेशन के बाद 35A के एब्रिगेशन के बाद 1.5 मिलियन लोगों को जो बाशिंदा रियासत दी गई उनको सेटल करने की वहां पे जो कोशिश हो रही है, यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल, और आज आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर सारी जो लिस्ट चीजें जो कश्मीरियों के जो हकूक हैं उनको छीन के दिल्ली में और हिंदू और दूसरे लोगों को वो राइट्स जो है वो दिए गए हैं कि वो वहां पे जॉब्स भी करें, और जो कश्मीरी जो उनके अंदर वहां पे उनकी जो फैसिलिटीज थी वो उनसे छीन लेगी। लॉर्ड नजीर को मैं ये बता रहा हूँ कि लॉर्ड नजीर अखबार पता नहीं कब पढ़ा था, मैं आपको बता दूं कि चाइना जो आया था बॉर्डर पे इंडिया से लड़ने के लिए वो अपने आप विड्रॉ कर गया, हमने उसे बोला नहीं जाने के लिए, अपने आप चला गया, और बॉर्डर पे जितनी टॉक्स पे वो आया इंडिया साफ मना करता चला गया तुम्हारी सारी डिमांड्स गेट लॉस्ट, हमें बातें नहीं करनी आपके डिमांड्स पे, जितनी मीटिंग हुई सारी इंडिया की वजह से फेल हुई, अब उसने चुपचाप विड्रॉ कर गया। रोहित आप लोग ये ख्वाबें देखते हैं, रोहित आपकी ख्वाब है वो जो चाइना ने कोटल लगाई वो वीडियो हमने देखी, मैं हर रोज चाइनीज अखबार भी पढ़ता हूँ और ये जो हिंदुस्तान का रबिश है जो आपको पीस करते हैं वो भी मैं देखता हूँ, और आपके तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चुप हो जाते हैं जब वहां से कोई जवाब आता है, तो डोंट लेक्चर मी अमाउंट कि मैं अखबार कब पढ़ता हूँ, मैं हर रोज जो इंटरनेट के ऊपर और ट्विटर के ऊपर मैं हर रोज पढ़ता हूँ, और मुझे मैंने वो तस्वीरें आप इग्नोर कर रहे हैं, जो कुट पड़ी है वो सामने सारी दुनिया ने देखी है। लॉर्ड नजीर यू शुड हैव द एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग जी रोहित, आज इल्जाम के आगे लॉर्ड लगाने से कोई आदमी लॉर्ड नहीं बन जाता, आपको पता होना चाहिए दूसरा आदमी बोल रहा था अब इसमें ना बोले, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बोल दिया था जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, यहाँ किसी का राज नहीं है, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलने वाली आगे। हेलो मिस्टर मुनीब, लिसन यू आर अ लॉयर, आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट में भी डेकोरम होता है, एक लॉयर बोल रहा तो दूसरा नहीं बोल सकता। थैंक यू, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द एक्सपंजिंग, आप वैसे भी एक्सपंज करते रहते हैं, हार्डी मैटर्स। ओके नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा आंसर कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। पहली चीज मुनीम ने बोला कि वो इंडियन पुलिस, प्लीज यार, पहली चीज मुनीम ने बोला कि वो इंडियन पुलिस थी जिसने ये पांच मुसलमानों के नाम बताए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन पुलिस ने ही तबरेज के खिलाफ एक्शन लिया था, इंडियन पुलिस ने ही उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन लोगों ने टाउ लिंचिंग की थी, इंडियन पुलिस ने ही, आपने तेजस्वी सूर्या का नाम लिया, इंडियन पुलिस ने ही इसको क्लैरिफाई किया कि उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, वो इंडियन पुलिस ही थी जिसने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ बोला, ठीक है। नाउ कमिंग टू तबलीगी जमात, क्या पाकिस्तान ने तबलीगी जमात को ब्लेम नहीं किया था, आर्टिकल दिखा देता हूं मैं आपको, आपने बोला गौरव आ रहे हैं, कुछ ट्वीट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एंड पाकिस्तानी स्टूड विद इंडिया, क्योंकि गलत टाइम था, तो यार आपका हाफिज सईद जो है उसने तो बॉम्बे अटैक कराया था, आपकी ये इंसानियत वहां भी जागनी चाहिए थी, प्लीज आप एक बार प्रोटेस्ट कीजिए, आई वुड लव इट एंड आई विल ट्वीट फॉर यू, आपके वहां पे लोग 200 से ज्यादा लोग मरे थे, तब इंसानियत कहां थी आपकी। ये जून 2021 अभी हाल ही की बात है कि पांच यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स ने, पांच यूएन के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने आपकी सरकार को एक खत भेजा, एक संदेश भेजा, उसके अंदर उन्होंने लंबी डिटेल लिखी है एविडेंस के साथ, और रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो रेफरेंसेस हैं, जो साइटेशंस हैं, वो सारी दी हुई हैं कि कैसे टॉर्चर किया जा रहा है उधर, कैसे विदाउट एनी फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस या अदालत में ले जाए बगैर वहां पुलिस लोगों को ऐसे ही उनके ऊपर टेररिस्ट का लेबल लगाकर उनको लॉकअप कर देती है, यूएपीए लगा देती है जर्नलिस्ट के ऊपर, और जो आपका एक वो पोलिटिकल पार्टी है महबूबा मुफ्ती वाली, उसका एक कारकुन है वहीदुर रहमान पारा, उस और वो प्रो इंडिया लीडर है, वो प्रो इंडिया है, वो कश्मीरी है पर वो प्रो इंडिया है, और उसके साथ भी जो सलूक किया है वो क्या किया है, उसको उल्टा लटकाया गया, ये उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसके कपड़े उतारे गए, उसको उसका साइकाइट्रिस्ट कहता है उसको एंग्जायटी और क्रॉनिक एंग्जायटी से वो सफर कर रहे। जितने इनके हिंदुत्व ट्रोल्स जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि ये सारा गलत है और ये किसी और स्टेट के पिछले साल के राइड्स हुए थे वो तस्वीरें आप लगा रहे, फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कंफर्म किया कि ये दिल्ली की रीसेंट सारा कुछ है, तो ये जानबूझ के मिस इन्फॉर्मेशन टीवी पे आके और डिबेट्स में ये करते हैं, ये वो
मेजर साहब हों या ये रोहित साहब हों, इनकी ट्रेनिंग यही है। इन्होंने लॉर्ड साहब ने बोला मैंने फोटो लगाई, मतलब फोटो लगाई थी, मैंने इतना कुछ लगाया था, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया। यार पाकिस्तान की एम्बेसडर मलीहा लोधी यूएन में फेक फोटो दिखाती हैं, कितनी फेक फोटो आप लोग दिखाते हैं ये हमें पता नहीं है क्या, किसको बताते हैं मुस्लिम। अच्छा हाँ, एक बोला इन्होंने कि गाय के पेशाब से और कोरोना ठीक होता है। आपने अखबार पढ़ा, इजिप्ट के एक मौलाना ने बोला कि वो हदीस में लिखा है कि ऊंट के पेशाब से बड़ी सारी बीमारियां ठीक होती है, पीना चाहिए, वो उन्होंने भी कोरोना का इलाज दिखा दूंगा। रिपोर्ट 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 दिखा दूंगा, आप बीच में बोल रहे हैं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। अब मैं आई कम बैक टू मुनीब। मुनीब आपको दुख बड़ा हुआ होगा कि बॉम्बे अटैक हुआ था, लेकिन उससे किया क्या गया? आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इमदाद दी, हम लोगों ने हेल्प दी, पाकिस्तान ने वो बॉम्बे अटैक का जिस हाफिज सईद का पे क्या हेल्प दी, हाफिज सईद का किया क्या, जेल में डाला? आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल गए कि हमारे पास से, नवाज शरीफ ने बोला कि हमारे कंट्री से लोग गए थे जिन्होंने जाके अटैक किया। आपकी आपकी पूरी प्रूफ इंडिया ने पूरा डोजियर दिया, जिसको जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, उसी डोजियर का अमेरिका ने हेडली को 30 साल से ज्यादा की सजा की, सेम डोजियर सेम प्रूफ। तो आपने ऑर्गेनाइज तरीके से एक 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 क्रिमिनल को अपने पास, एक टेररिस्ट को अपने पास छुपा के रखा, और पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आप लोग इतना चीखते हैं कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, आपके अपने कंट्री में क्या होता है भाई? आपके अपने कंट्री में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? हमारे कंट्री में तो चलो हिंदू मुस्लिम मैं मानता हूं, आपके अपने कंट्री तो मुसलमानों के लिए बना था। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है नहीं पता, क्रिश्चियंस के क्रिश्चियन नर्सेस के साथ क्या हुआ, क्रिश्चियन नर्स को मारा गया सरेआम नहीं हुआ? और एक और एक नर्सेस ने एक चर्च पे कब्जा कर लिया, क्रिश्चियन नर्सेस को मारा वहां पे, बोला कन्वर्ट हो जाओ। तो आप हमें मत बताइए, आप अपने कंट्री को देखिए, अपने कंट्री को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप इंडिया को बताने, हम लोग हमारे पास मुस्लिम प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हमारे मुस्लिम डिप्टी आर्मी चीफ थे, हमारे पास मुस्लिम जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे पास मुस्लिम एमपीज है, मिनिस्टर्स है, मैं अभी बता सकता हूँ मिनिस्टर्स भी हैं। तो हमारे पास तो सब है, इतने सारे इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, इतने सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं। आप अपने कंट्री में कोई प्रेसिडेंट बता सकते हैं माइनॉरिटी का? आप अपने कंट्री में हो गया अपने हिंदू में बोले प्लीज, क्या मैं आपके सारे जवाब दे रहा हूँ, है ना? अब जहां तक बात है कि वो जो आप मॉस्क डेमोलिशन की बात कर रहे हैं, मॉस्क डेमोलिशन में अब वो हाई कोर्ट में केस पहुंच गया है, डेमोलिश की गई थी, वो भी ऑर्डर से डेमोलिश की गई थी, बिना ऑर्डर के नहीं। अगर हाई कोर्ट बोलेगा तो दोबारा बनाई जाएगी, 10 मॉस्क बनाई गई हैं, ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि इंडिया में मोदी के लिए क्या बोला गया या इसके लिए कोरोना के लिए क्या बोला गया, बस हमारी गवर्नमेंट थी, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग इट, हमारी गवर्नमेंट ने किया, फॉल्स होंगी, हर गवर्नमेंट में होती है, आपकी अपनी गवर्नमेंट में भी होती है। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आपको पहले, मैंने नहीं देखा कि मुनीब ने कोई या कोई भी एनी एक्स वाई जेड ने कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई हो कि यहाँ पे वो क्रिश्चियन नर्स को मारा गया, क्रिश्चियन नर्स को मारने के बाद या क्रिश्चियन चर्च में घुस करके उधर की नर्सेस को पकड़ के बोला गया कि कन्वर्ट कीजिए, तो हाईजैक कर लिया गया नर्स को, चर्च को। मैंने नहीं देखा यार, कोई लिटिगेशन नहीं देखी, पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है वो दिखता है सामने। आप इंडियन पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है, लेट्स गो बाय इट, तो इट्स अ फैक्ट। पाकिस्तानी पुलिस कितना कितना आपके यहाँ जो लड़कियां अबडक्ट होती हैं वो क्या, वो महक कुमारी के साथ क्या हुआ, सबको पता है ना, सबको पता है ना, और उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तीनों पाकिस्तानी पैनलिस्ट के पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं था और वो सिर्फ भारतीय मुसलमान, भारतीय पुलिस और कश्मीर पर ही आकर अटक रहे थे। इनके अपने देश में क्या हालात हैं ये पहले उन्हें सुधार लें। वैसे रोहित जी ने इनको इनकी भाषा में जवाब दिया है,